एक बार कालू कौवे को बहुत जोरों की भूख लगी, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। वो खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। तभी कालू कौवे को जमीन में एक हड्डी का टुकड़ा दिखाई देता है। वो खुश होकर टुकड़ा उठाता है और जैसे ही उसे चबाने की कोशिश करता है, दर्द से चिल्लाता है, आह मेरी चोट, ये तो सिर्फ हड्डी है। लगता है आज का दिन ही खराब है। एक तो भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऊपर से खाने को भी मिला तो सिर्फ हड्डी। कालू कौवा फिर खाने की तलाश में उड़ चला। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। अरे वाह, लगता है आज का दिन उतना भी खराब नहीं, खाने का इंतजाम जो हो गया। कालू कौवा जैसे ही रोटी के पास जाके उसे अपनी चोट से उठाने जाता है, तभी अचानक से एक चील वहां उड़ता हुआ आता है और रोटी का टुकड़ा उठा के चला जाता है। कालू कौवे की चोच रोटी की जगह जमीन से टकराती है और वो दर्द से चिल्लाता है, आह मेरी चोच, आज सब मेरी चोच के पीछे ही पड़े हैं, रोटी भी गई चोच से, अब तो भूखे ही रहना पड़ेगा। कालू कौवा फिर से खाने की खोज में उड़ता है। वो इधर उधर बहुत खोजता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नाक में एक सुगंध आती है। अरे वाह, क्या खुशबू है। कालू जैसे ही आंख खोलता है, सामने एक चीज का टुकड़ा गिरा हुआ देखता है। ये क्या है? कालू चीज को इधर उधर जंप कर करके सूंघता है। अरे वाह, ये तो चीज है, मेरा फेवरेट चीज। तो सुगंध इससे आ रही थी, आज तो मेरी पार्टी हो गई। कालू कौवा चीज के आसपास खुशी से डांस करने लगता है। पार्टी पार्टी चीज पार्टी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। कालू कौवा चीज का टुकड़ा उठाता है और एक पेड़ में बैठ जाता है ताकि आराम से चीज खा सके। जंगल में सोनी लोमड़ी भी नीचे खाने की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ी। मिल गया खाना, मुझे माफ करना मेरे प्यारे चूहे, आज तुम्हें मेरे मुंह के अंदर जाना ही होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। सोनी लोमड़ी चूहे के पीछे भागता है, लेकिन चूहा जल्दी से भाग के एक टीले में बने अपने बिल में घुस जाता है। सोनी लोमड़ी टीले से टकरा कर नीचे गिरता है। चूहा बिल से अपना मुंह निकाल कर उसे चिढ़ाता है। क्या हुआ लोमड़ी भाई, तुम तो एक चूहे से हार गए, अगली बार और तैयारी करके आना। लोमड़ी चूहे को गुस्से वाला लुक देता है। चूहा उसे चिढ़ाते हुए अंदर चला जाता है। सोनी लोमड़ी दुखी हो गया क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो दुखी होकर खाने की तलाश में आगे चलने लगा। तभी उसे कालू कौवे की आवाज सुनाई दी और आवाज सुनकर वो इधर उधर देखता है। ये आवाज कैसी, लगता है खाने का इंतजाम हो गया, खाना कहीं आसपास ही है। सोनी लोमड़ी इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नाक में चीज की खुशबू पड़ती है। वाह क्या सुगंध है, सुगंध इतनी अच्छी है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा, ये सोच सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सोनी लोमड़ी सुगंध का पीछा करते करते उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जिसमें कालू कौवा अपनी चोच में चीज का टुकड़ा पकड़ के बैठा था। सोनी लोमड़ी की नजर कालू कौवे पर पड़ती है। वाव चीज, ये चीज तो किसी भी तरह मुझे खाना ही होगा, इस कौवे के साथ चीज खाने का तो मजा ही कुछ और होगा, वरना मेरे मुंह से पानी टपकता रह जाएगा और कौवा चीज के चटकारे लेकर उड़ जाएगा, उससे पहले कुछ करना होगा। सोनी लोमड़ी चुपके से पेड़ के पीछे जाता है और जोर से जंप मार के पीछे से कालू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कालू तक पहुंच नहीं पाता और धड़ाम से नीचे गिरता है। चीज को पाने की सोनी लोमड़ी की कोशिश काम नहीं आई क्योंकि कालू कौवा बहुत ऊपर बैठा था। ये देख सोनी लोमड़ी चीज को खाने की कोई और तरकीब सोचने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया। वो कालू के पास गया और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। सोनी लोमड़ी पेड़ के सामने कालू के पास जाता है। कालू मेरे दोस्त, तो वो तुम हो, वही मुझे लगा कि इस जंगल में इतना सुरीला गाने वाला कौन है, और उस पेड़ पर बैठे तुम कितने जच रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल का राजा अपने ऊंचे सिंहासन में बैठा हो
और तुम्हारी आवाज तो गुड़ से भी मीठी है, जिसे सुन मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। क्या? मेरी आवाज? इस बात पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कालू विजुलाइज करता है कि वो राजा के सिंहासन में क्राउन पहन के बैठा है और गाना गा रहा है और तालियों की आवाज आ रही है। अब सोच क्या रहे हो कालू, जल्दी से एक गाना सुनाकर मेरे कानों को तृप्त कर दो। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारा गाना सुनकर पूरे जंगल वासियों को तुम्हारी इस अद्भुत कला के बारे में बताऊंगा। तुम ही हो इस जंगल की आन बान और शान, कालू महान। अब तो इसे गाना सुनाना ही पड़ेगा, तभी तो जंगल में मेरी इस कला का पता चलेगा। कालू चीज पकड़े हुए गुनगुनाने लगता है। सोनी लोमड़ी ये देख टेंशन में आ जाता है। ये तो चीज को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, कुछ तो करना होगा। ये क्या कर रहे हो कालू? ऐसे मुंह बंद करके गुनगुनाने से क्या होगा? अरे तुम इतने महान गायक हो, गला खोल के गाओ ताकि बाकी जंगलवासी भी तुम्हारे संगीत का आनंद ले सकें। बात तो ये सही कह रहा है, पूरा जोर लगा के गाता हूँ, आखिर बाकी जानवर भी तो मेरी सुरीली आवाज सुने। और जैसे ही कालू ने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह से चीज का टुकड़ा नीचे गिर गया, जिसे सोनी लोमड़ी ने उठाया और वहाँ से भाग गया। मेरा चीज, रुको, मेरा गाना वापस तो करो मुझे। अरे मेरा गाना तो सुन लो कम से कम। धन्यवाद मेरे दोस्त, अब तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गाने की प्रैक्टिस करो, तब तक मैं इस स्वादिष्ट चीज का मजा लेता हूँ। वैसे अपना चीज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। सोनी लोमड़ी वहाँ से चला गया और कालू को समझ में आ गया कि सोनी ने उसकी तारीफों के झूठे पुल बांध के बड़ी चालाकी से उसे बेवकूफ बनाया उस चीज के टुकड़े के लिए।